हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास सिक्स। आज हम आपके लिए लेके आए एक नया टॉपिक। प्रीवियस क्लास में हमने आपको सिखाया था एस्टिमेट द सम एंड एस्टिमेट द सब्ट्रैक्शन। आज हम बात करेंगे एस्टिमेट द प्रोडक्ट मीन्स एंड मल्टीप्लिकेशंस। ओके, एक्सरसाइज वन ई, हमने एक्सरसाइज वन ई के ही कुछ क्वेश्चंस लिए हैं आपको समझाने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है एस्टिमेट द प्रोडक्ट बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट टेन। हमने पिछली क्लास में भी नियरेस्ट टेन में कन्वर्ट करना सीखा था, सेम एज में हमें यहाँ पे सभी नंबर्स को नियरेस्ट टेन में कन्वर्ट करके उसको मल्टीप्लाई करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने जो आपके लिए पहला क्वेश्चन लिया वो है क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री है वो है 54 मल्टीप्लाई 47। ओके, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं आपके पास दो नंबर 54 और 47, दोनों को पहले नियरेस्ट टेन में कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं? नियरेस्ट टेन में कन्वर्ट करने के लिए हमें कौन सी डिजिट देखनी होती है? वंस डिजिट देखनी होती है, जिसको हम यूनिट डिजिट भी बोलते हैं और वंस डिजिट भी बोलते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर है आपका 54। 54 का यूनिट डिजिट है 4। 4 इज लेस देन 5, 5 से छोटा है। इसका मतलब इस 4 की जगह पे सिर्फ 0 मेंशन हो जाएगा। इसी तरह के दूसरे नंबर पे देखेंगे 47, यूनिट डिजिट है आपकी 7, 7 इज ग्रेटर देन 5, सो 7 की जगह पे तो 0 हो जाएगा, लेकिन एक प्रीवियस मीन्स द टेंथ डिजिट में एक नंबर इंक्रीज कर दिया जाएगा। लेट्स सी, जैसा कि आप देख सकते हैं 50 × 50 एंड द आंसर इज 2500। ओके, अगला क्वेश्चन जो हमने आपके लिए लिया है वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है 64 × 58। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला नंबर उसका यूनिट डिजिट है 4, 4 इज लेस देन 5, 5 से छोटा है, इसलिए इस 4 की जगह पे 0 मेंशन हो जाएगा। लेकिन आप दूसरा नंबर देख सकते हैं 58, जिसमें जो यूनिट डिजिट है वो है 8, 8 इज ग्रेटर देन 5, सो क्या होगा, इस 8 की जगह पे तो 0 आएगा, लेकिन इससे पीछे जो 10 डिजिट है, जो 10 डिजिट है वो कितनी है, 5 है, उसकी जगह पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं 60 × 60 मीन्स दैट 36 इन। एक चीज और भी देख सकते हैं, 64 यहाँ पे आपका पहला नंबर था, ये 64 किसके नियरेस्ट था, 60 के या 70 के, एक जनरल आइडिया भी हम ले सकते थे बेटा। तो आप देख सकते हैं 64 किसके नियरेस्ट है, किसके पास में, 60 के ज़्यादा पास में, इसलिए आ गया। ऐसे ही आप 58 देखें, 58 किसके पास में, 60 के या 50 के, 50 से तो बहुत दूर है लेकिन 60 के नियरेस्ट है, तो हमने 60 लिया है। आप इस तरीके से भी आइडिया ले सकते हैं। ओके, और रूल्स के हिसाब से भी आप वर्क कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम आपके लिए आएंगे। अगला क्वेश्चन है एस्टिमेट द प्रोडक्ट बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट 100। इस बार हमें नियरेस्ट 100 करना है। नियरेस्ट 100 करने के लिए हमें 10 डिजिट को यूज़ करना पड़ता है। हमने जो आपके लिए पहला क्वेश्चन लिया है वो है क्वेश्चन नंबर 8। नंबर है 264 × 147। यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहला जो नंबर है वो 264 का जो 10 डिजिट है वो है 6 एंड 6 इज अ ग्रेटर देन 5। तब क्या होगा, अगर 5 से बड़ा है, इस 10 डिजिट और 1 डिजिट की प्लेस पे तो 0 आ जाएगा और प्रीवियस नंबर पे मीजर 100 डिजिट पे एक इंक्रीज कर दिया जाएगा। इसी तरीके से अगला जो नंबर है वो है 147। 10 डिजिट को ऑब्जर्व करेंगे, 10 डिजिट है आपकी 4, 4 इज लेस देन 5, अगर 5 से छोटा है तो क्या होगा, 10 डिजिट यूनिट डिजिट की जगह पे 0 मेंशन कर दिया जाएगा। लेट्स सी 300 × 100 एंड द आंसर इज 30,000। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन भी लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 271 × 339। सेम एज वे, सबसे पहले आपको 271 का 10 डिजिट देखना है। 10 डिजिट है आपका 7, 7 इज ग्रेटर देन 5, सो 10 डिजिट और 1 डिजिट की जगह पे तो 0 मेंशन करेंगे और उससे प्रीवियस नंबर जो 100 डिजिट है उसमें हम 1 इंक्रीज कर देंगे। ओके, जो अगला नंबर है वो है 339। 339 का जो 10 डिजिट है वो है 3, 3 जो है 5 से छोटा है, तो हम इस 10 डिजिट और यूनिट डिजिट की जगह पे 0 मेंशन करेंगे। लेट्स सी
आपका आंसर आ गया 300 × 300 मल्टीप्लाई करेंगे आंसर इज 90,000। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट करके नियरेस्ट टेन में कन्वर्ट 100 में कन्वर्ट करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है एस्टिमेट द प्रोडक्ट बाय राउंडिंग ऑफ द फर्स्ट नंबर अपवर्ड मतलब आगे के लिए एंड द सेकेंड नंबर डाउनवर्ड मतलब पीछे के लिए। ध्यान रखिएगा पहले नंबर को आगे के लिए इंक्रीज करना है, इंक्रीज करना अपवर्ड, और सेकंड वाले को डाउनवर्ड करना है। जैसा कि हम नंबर ले सकते, क्वेश्चन लिया हमने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 21, नंबर है 267 एंड 146। बहुत अच्छे से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे 267 में जो आपका 267 है, जरा सोचिए किसके ज़्यादा नियरेस्ट है, 200 के या 300 के। ऑब्जर्व पहला नंबर हमें अपवर्ड जाना है मतलब आगे की तरफ जाना है, तो कौन क्या नंबर आना चाहिए 267 300, और दूसरे वाले नंबर को हमें कहाँ जाना है डाउनवर्ड जाना है मतलब पीछे के लिए जाना है। मतलब 146 के दो नियरेस्ट नंबर्स होते हैं 100 और 200, तो हमें कहाँ जाना है 146 का जो नियरेस्ट है वो 100। तो आप देख सकते हैं 300 × 100 एंड आंसर इज 30,000। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमने अगला लिया है आपके लिए, इस क्वेश्चन में है 255 × 350। तो 255 आगे के लिए किसके ज़्यादा नियरेस्ट है, 300 के 200 के, 300 के ज़्यादा नियरेस्ट है तो हमें आएगा इसका 300, और 350 आपको डाउनवर्ड जाना है, क्या लेंगे 300, आप आगे नहीं जा सकते। अगर हम कंडीशन देखें तो 350 जो है बिल्कुल बीच में नंबर है किसके 300 और 400 के, लेकिन हमें डाउनवर्ड जाना है पीछे वाला नंबर लेना है तो आएगा आपका 300। लेट्स सी 300 × 300 एंड द आंसर इज 90,000। इस तरीके से हमने करना सीखा। आज के लिए जो आपका होमवर्क है वो है कंप्लीट एक्सरसाइज 1E फ्रॉम योर बुक, अपनी बुक की एक्सरसाइज 1E को कंप्लीट करना है आपको। थैंक यू।